वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत मसरूफ था क्योंकि आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं घर में, तो उसके लिए सामान लेकर आना था बाज़ार से, और अभी तक मैं नहाया भी नहीं हूँ और कपड़े भी नहीं चेंज किए हैं। तो आज देखते हैं कौन सी शर्ट, तो चलिए देखते हैं कौन सी आज शर्ट ट्राई की जाए। मेरे ख्याल से आज हम ये वाली शर्ट पहनने लगे हैं, तो देखते हैं ये शर्ट आज ट्राई की जाएगी। तो मेहमान आने वाले हैं और उसके लिए काफ़ी सामान तैयार हो रहा है। आज सामान खाने में कोरमा और बिरयानी और खीर और मैक्रोनी होगी, तो चलिए आगे दिखाते हैं आपको। कहाँ जाना है बताओ, कहाँ जाना? किधर किधर जाना? ये ब्लू बॉडी स्प्रे था, ये मेरा वैसे फेवरेट तो नहीं है लेकिन लगा रहा हूँ इसे भी। चेक कर लिए जाए सारे परफ्यूम, वैसे मुझे जे डॉट के परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं। एवरीवन ये वैसे मैंने शादी के शुरू में लिया था तो बहुत अच्छा था, अब भी घर में पड़ा होता है लेकिन मेरा फेवरेट नहीं है इतना। और जे डॉट से लिया था परफ्यूम, लेकिन ये जो है ये आम बाज़ार से लिया था ए डॉट, लेकिन ये भी अच्छा परफ्यूम है। चलें गाइस, मैं तो तैयार हो गया हूँ, अब किचन में जाके देखते हैं क्या क्या चीज़ें अभी तक तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, तो दोस्तों सबसे पहले खीर तैयार कर ली थी और इसके ऊपर बादाम डाले हैं, डेकोरेट किए गए हैं और इसमें खोया भी डाला गया है जो दिखने में भी बहुत टेस्टी है, और मैं आपको खा कर भी दिखाऊंगा कैसा है ये इसका जायका। और ये कोरमा हमारा तैयार हो रहा था, इसमें मसाले वगैरह सारे डाल दिए हैं और ये बिल्कुल तैयार हो गया है, अभी फ्राई हो रहा है। इसके बाद मैक्रोनी बिल्कुल तैयार है हमारी, मैक्रोनी में बिल्कुल सब चीज़ें ऐड हैं। और ये चावल जो मैं, ये एक तो चावल होते हैं टोटा, ये टोटा चावल नहीं है, ये बड़े वाले चावल हैं जो बिल्कुल जब पकाए जाते हैं तो खिले खिले और वो खूबसूरत लगते हैं बिरयानी में। और चटनी ग्रैंड हो रही है, उसमें लहसुन अदरक और टमाटर डाला गया है। और ये हमारा कोरमा बिरयानी का जो मसाला है वो तैयार किया गया, जो तय वाली बिरयानी है उसके अंदर तय के साथ ही कोरमा डालते हैं, फिर तय लगाते हैं चावलों की, वाइट चावलों की, और ये तैयार हो जाता है। और ये माशाल्लाह से हमारी सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, मेहमान आ गए हैं और मेहमानों ने अब खाना शुरू कर देना है। ये कढ़ी पकौड़ा थी दोस्तों ये है, और ये मैक्रोनी है, और ये हमारी सब चीज़ें तैयार हैं। कोरमे का ये कलर आया था और ये दिखने में तो बहुत अच्छा लगा। बताते हैं क्या इसका जायका और इसको कितने नंबर दिए जाएंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैक्रोनी पे फोकस करें, मैक्रोनी को हम 10 में से तकरीबन 8 पॉइंट देंगे इस बार। मैक्रोनी अच्छी बनी है, 8 पॉइंट देते हैं। तो बिरयानी चेक करते हैं कैसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिरयानी जो पहले बनी थी, आज जो बनी है उसमें ये काफ़ी फ़र्क है, आज वाली काफ़ी टेस्टी है, तो इसलिए 10 में से इसे 9 पॉइंट देंगे हम बिरयानी को। अब खीर है, खीर टेस्ट करवाते हैं कैसी है।
खीर में आपको पहले भी बताया था कि इसमें खोया डाला है और बादाम डाले हैं। तो चलिए खीर काफ़ी मज़ेदार है, इसलिए हम खीर को 10 में से 10 पॉइंट देंगे। तो आज का व्लॉग हमारा इतना ही था, दुआओं में याद रखिएगा। चलिए अगले व्लॉग में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। मज़ा आया।